हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग आज से शुरू करना है हमारी पास्ट ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन। काफी इंपॉर्टेंट होती है ये डिस्कशन, क्योंकि आप ए टू जेड सारे सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका फिर आइडिया नहीं ले पाते हैं कि क्या कुछ कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां हमें स्पेशल फोकस देना चाहिए। इट इज वेरी गुड टू कम्प्लीट फ्रॉम ए टू जेड ऑफ एनी सब्जेक्ट, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस एरिया से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं उस पर स्पेशल फोकस देना। अदरवाइज जो होती है सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रही होती हैं। तो हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा एक सोर्स होता है यूपीएससी को समझने के लिए कि किस एरिया में यूपीएससी फोकस कर रही है। तो इस वजह से पास्ट ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़े से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन में हम लोग केवल और केवल इसमें क्वेश्चन और आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे कि इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब कि क्वेश्चन दिया रहेगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल फॉर्म आवर ओन क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार के एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल से हम लोग निकालेंगे, चीजों को निकालेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की तरफ हम एक कदम बढ़ा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज की है या फिर प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस हैं और मेंस स्पेशल क्लासेस हैं। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स की डिस्कशन। इस इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें सब्जेक्ट कौन कौन से, मतलब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो ये कुछ पांच टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को खत्म करेंगे। इसमें अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो वन बाय वन करके अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहला टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी है। यहां पर नियरली 82 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं इन आवर पास्ट 24 ईयर्स। अपने 24 साल में 82 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं और हर साल अगर एक या दो क्वेश्चन आ जाता है इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट ये सेक्टर अब नहीं बचा है। दूसरा जो टॉपिक आता है पॉवर्टी प्लानिंग फाइनेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा और नियरली 104 क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई लोग पूछते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट बता दीजिए इकोनॉमिक्स में, तो देखिए यही वो सेक्टर है, यही वो टॉपिक है जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको ये एरिया काफी ज्यादा स्ट्रांग रखना होता है। यहां पर अगर बात करें तो हर साल 7 से 10 क्वेश्चन नियरली पूछे जा रहे होते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, अगेन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से 26 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं एक सिंगल टॉपिक से और हर साल भी यहां पर भी 4 to 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे होते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में बात करें तो यहां से भी देखिए 48 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और हर साल एक या दो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, तो उतना कुछ खास यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स बेस्ड यहां पर चीजें पूछी जाती हैं, बट स्टिल हम लोग देखेंगे क्या कुछ यहां पर है। तो अगर देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है पॉवर्टी वाला चैप्टर और एग्रीकल्चर का चैप्टर। ये दोनों चैप्टर पे हम लोग स्पेशल फोकस भी करेंगे, मैं बताऊंगा क्या कुछ चीजें करनी होंगी। टर्शरी सेक्टर्स के बारे में आ जाता है और यहां पर नियरली 51 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आ जा रहा होता है, तो अगेन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों चैप्टर हमारे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टर्शरी सेक्टर। इस टर्शरी के बाद में हम लोग इंडस्ट्री एंड ऑल दैट आगे बढ़ते जाएंगे। टर्शरी सेक्टर में अगर बात करें तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक और चीज, हम लोग हर रोज 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन 25 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, क्या कुछ हमारे लिए आ सकता है। फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए, आगे अब पॉइंट पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। यहां पर आपको ध्यान रखना है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बात किया है। अगर मान लेते हैं केवल और केवल क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बात करता तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है किस तरीके से लोन वगैरह पे एक कंट्रोल रखा जा रहा है, रेगुलेशन रखी जा रही है, क्योंकि लोन एक तरीके का क्रेडिट ही होता है। क्रेडिट के फॉर्मेट में बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आज ले जाइए, रिटर्न बाद में करिएगा। तो जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड को आपका फंडा पता ही होगा कि आज की डेट में आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हो कर लीजिए, बाद में आपको जो भी रिटर्न चाहिए होगा और ले लीजिएगा। सिमिलरली लोन वगैरह के बारे में हो जाता है, ईएमआई हो जा रही होती है, ये सारा का सारा क्रेडिट कंट्रोल में ही हो रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब जब यहां पर एक वर्ड सेलेक्टिव जुड़ जाएगा
इसका मतलब क्या है कि ये हर सेक्टर में ओपन नहीं करना चाहती है। मतलब मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो गया, या फिर मान लेते हैं कि व्हीकल का सेक्टर हो गया, या फिर मान लेते हैं कि हाउसिंग का सेक्टर हो गया, या फिर मान लेते हैं एजुकेशन का सेक्टर हो गया, या फिर अदर कोई सोशल सेक्टर हो गया। तो हमें सेलेक्टिव करना है, जैसे हमें मान लेते हैं केवल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में करनी है, तो हम क्या है अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोन दिया जा रहा होता है। अलग अलग लोन देने के लिए सबका अलग अलग परसेंटेज होता है, जैसे किसी का 9% होता है, किसी का 10% होता है, हाउसिंग में 12% होता है। तो अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट रेट भी निर्धारित किया जाता है। इसी जो इंटरेस्ट का जो निर्धारण है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। दिस इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है क्या चीज बोली आ रही है यहां पर क्वेश्चन में। यूपीएससी में देखिए आपको यही क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि बेसिकली सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस पे आ जाते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले बोलता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, तो कंज्यूमर की कितनी क्रेडिट लेने की क्षमता है उस पर रेगुलेट करना है। तो बिल्कुल सही बात है कि आप 2 लाख दे सकते हैं, 3 लाख दे सकते हैं, 4 लाख दे सकते हैं, कितना कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब हम कंसंट्रेट कर सकेंगे कि किस आदमी को कितना हमें क्रेडिट देना है। तो इट विल बी सिलेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये ऑप्शन हो सकता है। और यहां पर देखिए ध्यान में ये रखना है कि नॉट बोला गया है, तो नॉट का हमें ख्याल रखना है हमेशा, जो चीज नहीं होगी यानी ये हो सकती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा बोला जा रहा है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट जब आप करेंगे तो सीधी सी बात है इन पर भी हम सिलेक्टिव कंट्रोल रख लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर रेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ चीजें कंट्रोल में की जा सकती हैं। तीसरी हमारी आ जाती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये हो जाता है कि कितना हमें डिफरेंस रखना है, कितना हमें भेदभाव करना है, कितना हमें एक बफर रखना है। तो यहां पर भी देखिए जैसे 9% हो गया, 10% हो गया, 12% हो गया, तो बेसिकली ये मार्जिन रखे जा रहे हैं। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब हो जाता है, जैसे अगर आपको 9% का लोन देना है तो इस 9% को लोन रखने के लिए, देने के लिए, ये लोन देने के लिए बैंक को अपने पास अपना CRR, SLR ये मेंटेन करना पड़ेगा। इनफैक्ट लोन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है SLR मेंटेन करना। तो यानी इनको अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, तब जा करके ही हम लोग लोन दे पा रहे होंगे। तो अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर मैं इस पे कंट्रोल कर लूं तो ऑब्वियसली ये सिलेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारा वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, ये हो गया CRR। CRR क्या होता है पता ही होगा आपको कि हर एक बैंक को अपना एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैल्यू आरबीआई के पास में गिरवी रखना पड़ता है, या फिर कह लीजिए जमा रखना होता है, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता है। अब बैंक ने तो आरबीआई को पार्क कर दिया, बैंक के पास में पैसा बचा नहीं है, तो अब जब बचा नहीं है पैसा, तो अब ये चाहे वेरिएबल हो CRR, चाहे कॉन्स्टेंट हो, चाहे कुछ भी हो, क्या बैंक को इससे लोन देने में कोई फर्क पड़ना है क्या, बिल्कुल नहीं। यानी ये जो वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, ये हमें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में मतलब नहीं रखेगा, इसका कोई भी यहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी जितना मैंने डिस्कशन किया। ये सारा डिस्कशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए बहुत रेयर चांस होता है कि वो रिपीट हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट रेयर चांस होता है, लेकिन हाँ ये जो डिस्कशन होती है इस डिस्कशन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए बैंक रेट के बारे में आ जा रही होती है, लेट मी क्लियर इट। अब देखिए बैंक रेट के बारे में आ गया, तो हम लोग जानते हैं बैंक रेट एक चीज होती है, दूसरी होती है हमारी रेपो रेट होती है, तीसरी हमारी होती है रिवर्स रेपो रेट, और चौथी हमारी होती है क्या, चौथी हमारी होती है MSF, मार्जिनल स्पेंडिंग फैसिलिटी। अब देखिए इनके बारे में अगर देखें तो बैंक रेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी बैंक वगैरह लोन लेते हैं आरबीआई से, या फिर बैंक वगैरह आरबीआई से जो भी पैसा ले रहे होते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट क्या होती है, इस लॉन्ग से थोड़ा सा शॉर्ट होता है, शॉर्ट लोन हो जाती है एक तरीके की, और वो भी एक तरीके से जो आरबीआई से ही पैसा लिया जा रहा होता है। यू कैन से दैट बैंक रेट और रेपो रेट एक ही जैसा है, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिवर्स रेपो क्या होती है, जब चीजें उल्टी हो जाती है, मतलब कि बैंक वाला अब आरबीआई को लोन दे रहा है, यानी अब उल्टा हो गया, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज रिवर्स ऑफ रेपो रेट हो गया। एमएसएफ क्या होती है, ये होती है इमरजेंसी कंडीशन, जहां पे इन लोगों को फंड बनाना है, फंड नहीं बना पा रहे हैं और आरबीआई से फटाफट रातों रात लोन ले रहे होते हैं, तो ये महंगा हो जाता है। मतलब कि अगर बात करें तो एमएसएफ हायर होता है, फिर होता है रेपो रेट, फिर होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये चीज हो जाती है हमारे पास, जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैंक रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पेड बाई आरबीआई ऑफ इंडिया ऑन डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो दो यहां पर क्या है, आरबीआई पे कर रहा है, नो, दिस इज समथिंग रिवर्स रेपो रेट के बारे में हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा।
दूसरा बोला है चार्ज बाई बैंक ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, तो जो बैंक के ऊपर चार्ज किया जाता है लोन या एडवांसेस का, यस बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बोल रहा है पेबल ऑन बॉन्ड्स, तो बॉन्ड वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है, यहां पर ये हटा देंगे आप। डी ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो डी बोलता है कि एट विच आरबीआई डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये पूरा क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि क्या चीज है। यहां पर देखिए लोन और रिजर्व एडवांसेस ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एमएसएफ ऑल्सो, तो यहां पर आप नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में बैंक रेट है या रेपो रेट है या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो यहां पर आप नहीं बता पाएंगे। हाँ लेकिन डी ऑप्शन क्लियरली आप बता देंगे कि क्या चीज है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर टू भी आपको। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पर चार कह लीजिए बॉडीज दे दी गई हैं और बोला गया है करेक्ट सीक्वेंसिंग करनी है। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं जहां पर आपको सीक्वेंसिंग करनी है। दिस इज बेसिकली फैक्चुअल डेटा, ये आपका फैक्ट है। यहां पर देखिए अगर मैं फैक्ट भी है तो एक बार अगर देख लें तो आईएफसीआई, ये जो आईएफसीआई है ये बनाई गई थी 1948 में। इसके अलावा जो ये आईसीआईसीआई, दिस इज बैंक एक्चुअली, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है ये बनाया गया था 1955 में। आईडीबीआई जो बनाया गया था वो 1963 में बनाया गया था। और जो प्रेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये जो हमारी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, सॉरी इसको बनाया गया था, इसको बनाया ऊपर सॉरी आईडीबीआई को बनाया गया 1964 में और इसको बनाया गया 1963 में। तो इस तरीके से आप सीक्वेंसिंग निकाल सकते हैं और इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका ए। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा मैं कहूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे तो एज पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्रोग्राम विथ अ व्यू टू अट्रैक्ट फॉरेन एक्सचेंज द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई हैव डिवाइस्ड टू स्कीम FCNRA एंड FCNRB। देखिए अगेन देखिए 1994 में ये स्कीम आई थी जहां पर FCNR को A को रिप्लेस कर दिया गया था FCNRB के फॉर्मेट में, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया था FCNRB से। 1994 का ये करंट अफेयर्स है और ये बिल्कुल भी आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी हवाला ट्रांजेक्शंस। हवाला ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, आज की डेट में वी नो कि देयर इज ब्लैक मनी, हम लोग जानते हैं कि ब्लैक मनी होती है। ब्लैक मनी क्या होती है या फिर जिसको हम लोग हवाला ट्रांजेक्शंस भी बोल सकते हैं, ये होता क्या है, ये वो ट्रांजेक्शंस होते हैं या वो मनी होती है जिस पर या तो इनकम टैक्स नहीं पे किया गया है, या तो इनकम टैक्स नहीं पे किया गया है या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आया है। दिस इज ईदर थ्रू कमिंग फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आया है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि रुपए के फॉर्मेट में आ तो रहा है लेकिन जो ओरिजिनल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सही तरीके से जो आना होता है वो नहीं आ रहा होता है। यहां पर जो है पैसे की इधर उधर से पुलिंग, पैसे की इधर उधर से ट्रांजेक्शन करा करके इसको गलत तरीके से वाइट किया जा रहा होता है। ऑप्शन में अगर बात करें ये क्या चीज हो गई, रिसीव्ड इन रूपी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बात है, अगेंस्ट ओवरसीज करेंसी एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहां पर। यहां पर कोई डाउट नहीं है कि ऑफिशियल चैनल का यूज किए बगैर रुपए में कन्वर्ट कर लेना। दूसरा ऑप्शन वैसे पढ़ लेते हैं क्या चीज है, रिसीव्ड फॉर सेल और शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर, नो ये बिल्कुल नहीं है, यहां पर स्टॉक एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं होता है। रिसीव्ड एट कमीशन ऑन सर्विस रेंडर्ड टू ओवरसीज इन्वेस्टर बायर सेलर इन असिस्टिंग देम टू गेट ओवर द रेड टेप, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है करप्शन के बारे में यहां पर बता रहा है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट ब्लैक मनी और हवाला ट्रांजेक्शन। लास्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज और टू इंडिविजुअल फॉर मीटिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, नो इस तरीके के ऑप्शन बिल्कुल नहीं करेक्ट होते हैं, तो इसमें आंसर सीधे सीधे हो जाएगा ए। आई होप आप लोगों को ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग 1996 के क्वेश्चन अब करना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में, यहां पर बोलता है सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ब्रॉड मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ये इसी तरीके से किसी ना किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। यहां पर जो हमारा जो टॉपिक है उसको बुलाता है मनी सप्लाई, दिस इज मनी सप्लाई। इस मनी सप्लाई को आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो फटाफट पढ़ लीजिए, हमारी प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में पूरा का पूरा प्यार से डिस्कस किया गया, उसको आप फटाफट देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा क्या चीज है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अदरवाइज आप लोगों को अब वापस से नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल वही पढ़िए जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपना पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए खैर मनी सप्लाई में, मनी सप्लाई होती है जो M0 होती है, M1 होती है, M2 होती है, M3 होती है, M4 होती है। इसमें M2 और M4 को हम लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, क्यों, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, दिस इज रिलेटेड विद पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में ज्यादा कुछ खास संख्या नहीं होती है, ये केवल और केवल ग्रामीण जनता के आसानी के लिए किया गया है। लेकिन जो हमारा M0 हो गया, M1 हो गया, M3 हो गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। M0 को क्या बोलते हैं, M0 को बोलते हैं कि ये रिजर्व मनी है।
रिजर्व मनी, जो कि आरबीआई एक तरीके से बोल दीजिए कि जितना भी प्रिंट किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये M0 है। M1 को हम लोग बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली वो होता है जो एक्चुअल में कह लीजिए कि प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है। प्रिंटेड मतलब कि यहां पर टाइम डिपॉजिट वगैरह नहीं होता है। M3 के बारे में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये ब्रॉड मनी होती है। ब्रॉड मनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर आ जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह क्या है ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहां पर M3 से M0 को जब आप डिवाइड कर देते हैं तो मनी मल्टीप्लायर निकल करके आ जा रहा होता है। अगर बात करें M3 में क्या क्या होता है तो यहां पर देखिए करेंसी विद द पब्लिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट दोनों ही होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई ये भी होता है। तो यानी यहां पर क्या है, सारा का सारा जोर दिया जाता है और यही अल्टीमेटली मनी मल्टीप्लायर के रूप में निकल करके आ जा रहा होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो देखिए बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट। फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ होता है। अगर मान लेते हैं कि सपोज ये एक बैंक है, बैंक के पास अगर मान लेते हैं कि कोई भी डिपॉजिट आया, कोई भी डिपॉजिट आया कैसे भी आया, चाहे वो जनता के थ्रू आया हो चाहे कॉर्पोरेट के थ्रू आया हो, 100 करोड़ मान लेते हैं कि अपने पास बैंक के पास में पैसा आया, बैंक क्या करेगी, इनको कुछ पहले रिजर्व मेंटेन करने होते हैं। ये जो रिजर्व्स होते हैं वो अलग अलग बेसल में अलग अलग परिवर्तित करके रखा गया है। फिलहाल अगर बात करें तो हमारे नॉर्म में है कि हमें एक सीआरआर मेंटेन करना होता है, दूसरा हमें एसएलआर मेंटेन करना होता है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये आरबीआई के पास जमा होता है जो बैंक का होता है, लेकिन इस पे आरबीआई इंटरेस्ट नहीं दे रही होती, केवल एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए रखा जाता है। एसएलआर का मतलब होता है जो बैंक अपने पास अपने लिए खुद रखवा रहा होता है अपनी रिजर्व अमाउंट को मेंटेन करने के लिए। आरबीआई यहां पर जो पैसा जमा होगा प्योरली कैश फॉर्मेट में होगा, केवल कैश, लेकिन यहां पर कैश भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकती है, ट्रेजरी पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है विच हैज इट्स वैल्यू, जो भी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी उसके हिसाब से यहां पर रखा जा सकता है। ओके तो अब क्वेश्चन ये बोलता है कि द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट। जो अपने पास रखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज डायरेक्टली आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आरबीआई के बारे में बोला गया है कि अकाउंटिंग ईयर इनका क्या होता है। तो देखिए आरबीआई, हमारे पास दो अकाउंटिंग ईयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट का होता है वो तो आपको पता होगा कि ये अप्रैल से होता है मई का, लेकिन आरबीआई का ये नहीं होता है, आरबीआई का अलग होता है। आरबीआई का होता है जुलाई से जून का। इनफैक्ट आरबीआई को ये बोला गया है अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाईली इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए आरबीआई को बोला गया है कि आप भी अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसको वापस से आप भी अप्रैल टू मार्च कर लीजिए, जिससे कि दोनों का दोनों सिंक में आ जाएंगे, जो कि इन्फ्लेशन या जो कुछ भी आपको जीडीपी ग्रोथ या जो कुछ भी आपको दिखाना है अब गवर्नमेंट के हिसाब से वो भी चलना शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा हाई चांसेस देयर कि आपसे इस बार के प्लान से पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, अगेन ये भी हमारे काम का नहीं है। यहां पर सीधे सीधे जो बात कर रही है वो एक्सचेंज वैल्यू पे बात कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, मैं कुछ क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं अपनी तरफ से भी जो हाईली प्रोबेबल होते हैं। एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज रेट भी जिसको बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए एक्सचेंज रेट कितने टाइप के होते हैं। जैसे कितने टाइप के होते हैं, एक होता है जिसको बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जहां पर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेट होती है। और तीसरी होती है जो एक्चुअल में पार्शियल होती है, पार्शियल मतलब पूरी तरीके से नहीं, जैसे 60% फ्लोटिंग हो जाती है, 40% जो होती है वो फिक्स हो जाती है, इसको पार्शियल बोलते हैं। ये 1992-93 के दौरान में इंडिया ने काम किया था फिक्स रेट, 1991 से पहले इंडिया ने यही काम किया हुआ था, और 1996 के बाद से पूरी तरीके से फ्लोटिंग कर दिया गया था इंडिया में। अगर आपको इन सब में दिक्कत है, अगेन मैं बोलूंगा प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज आप एक बार वॉच आउट कर लीजिए, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वहां पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए एक्सचेंज रेट, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का है, दूसरा पता होना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये एक्सचेंज रेट डिपेंड कर रहा होता है, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन हो गई, फिर उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, या फिर टैक्सेशन हो गई, या फिर लैंड लेबर, जो भी यहां पर नॉर्म्स वगैरह है उनके बारे में यहां पर चीजें हो जाएंगी। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है
कि किसकी कीमत ज्यादा है। तो देखिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हालांकि ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहां पर बोलता है कि फार्मर्स आर प्रोवाइडेड क्रेडिट, फार्मर को क्रेडिट दिया जा रहा है, यानी रूरल एरिया में क्रेडिट दिया जाने वाला है, रूरल इलाके में लोन दिया जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज, किस किस सोर्सेज में दिया जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। तो हमें बेसिकली दोनों कवर करना है, एक तो शॉर्ट भी करना है लॉन्ग टर्म भी कवर करना है, दोनों तरीके के लोन हम लोग कवर करेंगे। क्या चीज कौन दे रहा होता है, तो मेन सोर्स कौन से होते हैं, हमें पता है कि हमारा एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होता है जो ओपन टू ऑल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन टू ऑल, यानी कि ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही लोन दे देगा। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आरआरबीज होती है, जो केवल और केवल रूरल इलाके को पैसा दे रही होती है। इसके अलावा होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अगेन किसको दे रही होती है, रूरल वाले लोगों को पैसा दे रही होती है। तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस बिल्कुल करेक्ट है, देती है पैसा। कमर्शियल बैंक, यस बिल्कुल देती है, क्या है हमारी एससीबी, आरआरबी, बिल्कुल देती है। और प्राइवेट मनी लेंडर, ये तो हमेशा ही मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन भी एक बार कर देख लेते हैं। नाबार्ड, नहीं, देखिए नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट नहीं देती है, नाबार्ड केवल जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रूरल इलाके में काम करती है उसको फंड कर रही होती है नाबार्ड। जैसे आरबीआई दे रहा होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, वैसे ही अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रूरल इलाके में काम कर रही है तो वहां पर भी नाबार्ड पैसा दे रहा होता है। सिमिलरली आरआरबी को भी दे रहा होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दे रहा होता है, लेकिन डायरेक्टली फार्मर को नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लीड बैंक, आईआरडीपी एंड जेआरवाई, नो ये लोग नहीं देते हैं, आईआरडीपी ये लोग नहीं दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल मल्टीपर्पज आदिवासी प्रोग्राम, नो अगेन यहीं पर कट गया क्योंकि ये ओनली फॉर ट्राइबल एरिया हो गया, तो यहां पर केवल और केवल आंसर ए हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपका नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है इस बार, तो इस वजह से आपको नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, इनके बारे में पता होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट आरबीआई देखिए इस बार काफी ज्यादा न्यूज में रही है, इस वजह से आपको आरबीआई के बारे में बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आरबीआई की आरबीआई गाइडलाइन कौन सी है, आरबीआई को नेशनलाइज कब कर दिया गया था, आरबीआई को बनाया कब गया था, आरबीआई किस पे मॉनिटर कर रही होती है, ऑल दैट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखिए यहां पर बात कर रहा है सिंस 1980 द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया हैज, क्या हुआ है, देखिए ये अगेन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के होते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना काफी जरूरी होता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो हमारा जो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ऑब्वियसली हमारी टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ तो हमेशा ही होता है, जो हमारी सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस बार हमें ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बोल रहा हूं मैं, इंडस्ट्री नहीं बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग में हमें ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखिए यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ये सारा डेटा मैं जो बता रहा हूं वो अगेन इकोनॉमिक सर्वे, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से मैं डेटा बता रहा हूं। तो अगेन यहां पर देखिए अगर ऑप्शन आज की डेट में 1999 छोड़िए, अगर ये 2020 में पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा शोन एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई, आरबीआई के बारे में आपको पता ही है, आरबीआई सबसे पहले 1935 एक्ट से बनाई गई थी, आरबीआई एक्ट 1935, लेकिन इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, कब किया गया था, नेशनलाइज 1949 या 1950 भी आप बोल सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये पूरी की पूरी एक मॉनिटरिंग करने वाली बॉडी होती है, जो मॉनिटर कर रही होती है किसको, पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को, जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है। क्या ये फॉरेक्स रखती है, बिल्कुल फॉरेक्स रखती है, लेकिन इनका काम नहीं है, ये गवर्नमेंट के कहने पे, मतलब गवर्नमेंट के कह लीजिए बिहाफ पे आरबीआई केवल अपने पास रख रही होती है, लेकिन फॉरेक्स से रिलेटेड काम आरबीआई का बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोलता है, इट इज अ बैंकर टू सेंट्रल बैंक, यस बिल्कुल करेक्ट है, इट फॉर्मुलेट्स एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरी पॉलिसी, बिल्कुल करती है, एमपीसी बनाई गई है, इट एक्ट्स एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी कर रही होती है, इट हैंडल द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, बोरोइंग प्रोग्राम बिल्कुल कर रही होती है, आंसर इसका हो जाएगा सी, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगेन, देखिए M3 के बारे में बात किया, M3 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है कि इसको हम लोग ब्रॉड मनी बोल रहे होते हैं। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, करेंसी विद पब्लिक, यस बिल्कुल हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट, यस हो जाएगा, टाइम डिपॉजिट, यस हो जाएगा, खाली इसमें पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बाकी सबको इंक्लूड किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी।
तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अगर बात करें तो देखिए अगेन ये क्वेश्चन नंबर 14 2002 का ये जो क्वेश्चन है एक तरीके का रिपीटेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर देखिए अगेन सीक्वेंस के बारे में है, आईएफसीआई के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा था, आईसीआईसीआई 1955 में ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है, तो ये देखिए अगेन क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 15 पे फटाफट आ जाते हैं। यहां पर बोल रहा है डिबेंचर किसको बोलते हैं, तो देखिए एक होता है जो शेयर होती है, दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर, दोनों एक ही जैसा होता है। शेयर होती है जो पब्लिक कंपनीज निकाल रही होती है, डिबेंचर होती है जो प्राइवेट कंपनीज निकाल रही होती है, दोनों एक ही होता है, लेकिन जो लोग शेयर निकालते हैं उनके शेयर निकाले जाने वाले लोगों को बोला जाता है शेयर होल्डर, और जो लोग भी प्राइवेट कंपनी में निकाल रहे थे उनको बोला जाता है क्रेडिटर, तो जो क्रेडिट दे रहे होते हैं उनको क्रेडिटर बोला जा रहा होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधे सीधे भी दिस इज बेसिक क्वेश्चन, बेसिक है, यहां पर आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, इन द लास्ट वन डिकेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज अट्रैक्टेड हाईएस्ट एफडीआई। अब देखिए 2004 का क्वेश्चन है, हमें कोई मतलब नहीं है इन 2004 के क्वेश्चन से, हमें आज से मतलब है 2020 में अगर यह क्वेश्चन पूछा गया तो हाईएस्ट एफडीआई कहां पे आई है। तो अब देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके आ जाएंगे कि एफडीआई, पहले तो एफडीआई आई कितनी है हमारे पास, हमारे पास एफडीआई है 24.4 बिलियन डॉलर। अगेन इकोनॉमिक सर्वे से मैं ये पूरा का पूरा डेटा बता रहा हूं। एफपीआई कितने आई है, फॉरेन पोर्टफोलियो, ये आई है 12.6 बिलियन US डॉलर, ये आपको याद रखना है। दूसरी आपको याद रखनी है कि वो कौन से सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा आया है, वो आया है टेलीकॉम सेक्टर है जो सबसे ज्यादा आया है, सेकेंड नंबर पे आया है जो सर्विस सेक्टर है वहां पे आया है, थर्ड नंबर पे आई है जो फूड प्रोसेसिंग है, और फोर्थ नंबर पे आई है जो केमिकल्स वगैरह है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हाईएस्ट क्या हो जाएगा, इफ इन केस ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आंसर हो जाएगा टेलीकॉम, बाकी 2004 में क्या था आपको क्या मतलब है, आपको आज की डेट से मतलब है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है एनएचबी के बारे में कि एनएचबी द नेशनल हाउसिंग बैंक हैज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। यहां पर देखिए एनएचबी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि देखिए एनएचबी जो होती है वो आरबीआई की एक सब्सिडियरी है, दिस इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई जो कि बनाई गई थी 1988 में। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है कि कब बनाई गई थी। ये हाउसिंग का काम कर रही होती है, मतलब हाउसिंग वाले लोगों को लोन वगैरह दे रही होती है। ये अपने लिए एक इंडेक्स निकालती है जिस इंडेक्स को बोला जाता है रेजिडेक्स, दिस इज रेजिडेक्स, रेजिडेक्स। इसका जो इस रेडिजेक्स का कह लीजिए जो बेस ईयर होता है, वो बेस ईयर क्या होता है बताइए, इसका बेस ईयर होता है 2007-8। ये सारा कुछ अगेन प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में डिस्कस किया गया है, यही वो क्रूशियल एरियाज है जहां से जो हमारी यूपीएससी वो क्वेश्चन पूछ रही होती है। चलिए खैर फिलहाल आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। तो कहती है एनएचबी द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया वॉज सेटअप होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है, देखिए आरबीआई की सब्सिडियरी है। इसके बाद बोलता है सिडबी के बारे में, सिडबी के बारे में भी जान लीजिए, सिडबी अगेन इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश कब की गई थी, ये एस्टैब्लिश की गई थी 1990 में, हालांकि ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। ये क्या है, दिस इज होली सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई, बिल्कुल करेक्ट है, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया का ये सब्सिडियरी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आंसर दोनों ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखें 18 नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखिए अगेन मिसिंग है, यही पूछा गया था कि क्या कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां देखिए आरबीआई ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन 26 जनवरी 1950, तो क्या 26 जनवरी 1950 को ये किया गया था, नो, ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था नेशनलाइज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, करेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन द बोरिंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नो नॉट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये किया जाता है बोरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर सीसीईए के द्वारा किया जा रहा होता है, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, नीदर वन एंड टू, इसका ऑप्शन हो जाएगा नीदर वन एंड टू। क्लियर, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर अगर देखेंगे तो देखिए ये थोड़े शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा है, शेयर मार्केट में भी क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रोबेबल होते हैं आने के, तो देख लेते हैं क्या कुछ है। सेंसेक्स, अब हमारे पास देखिए शेयर मार्केट दो है, एक हमारा है बीएससी जो 1986 का है और हमारा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर जो बीएससी होती है इसका जो इंडेक्स निकलता है, इस इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, दिस इज सेंसेक्स,
जो एनएससी निकलती है इसकी निकलती है निफ्टी, दिस इज निफ्टी। सेंसेक्स जो होता है वो 30 पैरामीटर्स या कह लीजिए कि 30 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें। 30 इंडिकेटर्स मतलब 30 कंपनियों का ये डेटा होता है, निफ्टी में 50 कंपनियों का डेटा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखते हैं, सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक। नो, नॉट 50, कितने? 30। देखिए अभी देखा हम लोगों ने, और बाकी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेंसेक्स ऑल द स्टॉक्स आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक, नो बिल्कुल नहीं। ये डच का जो नीदरलैंड वाला था, एम्स्टर्डम का जो स्टॉक एक्सचेंज था, एएमएसई एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन देखिए इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक, नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। 2006 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, फिलहाल जान लीजिए फेडरल बैंक जो है वो एक तरीके का नॉन नेशनलाइज्ड बैंक है, मतलब इसको नेशनलाइज नहीं किया गया है। 2020 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन देखिए, 2020 में क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि वो कौन कौन से बैंक है जिनको मर्ज करके एक सिंगल बैंक बना दिया गया है। तो कौन कौन से बैंक है? एक है जो आपका विजया बैंक है, विजया बैंक, इसको मर्ज कर दिया गया है। देना बैंक, इसको भी मर्ज कर दिया गया है, सब एक साथ मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, विजया बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको भी एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। हाईली प्रोबेबल आपके एग्जाम पूछे आने के, इसलिए फैक्ट याद रखिएगा, करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें तो देखिए बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, नहीं, यहां पर नेशनल इंश्योरेंस जो कंपनी है ये सबसे पुरानी है, लाइफ इंश्योरेंस बाद में आई थी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर, ये जो स्टेटमेंट नंबर वन है वो गलत हो जाएगा। इट एनआईसी लिमिटेड वॉज नेशनलाइज इन ईयर 1972 एंड मेड अ सब्सिडियरी, यस 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 बिल्कुल करेक्ट है, ये सब्सिडियरी बना दी गई थी। बाकी हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये चेन्नई में है, यस yes, बिल्कुल करेक्ट है, ये चेन्नई में है। 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा सी इस, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स 2005 का था, तो 2006 में पूछा गया था, अभी हमारे लिए करंट अफेयर नहीं है, हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आगे के बारे में बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आ जा रही होती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ एंड ऑल दैट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रेपो रेट जो होता है बैंक बोरो करती है आरबीआई से, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा बोलता है गिनी कोफिशिएंट। अब देखिए गिनी कोफिशिएंट का मतलब क्या है, गिनी कोफिशिएंट को ऑलरेडी हम लोगों ने अपने कर्व में डिस्कस किया था। वहां पर देखिए इस तरीके से कर्व होती है, जहां पर हमारा इस तरीके का ग्राफ होता है, जहां पर जीरो वैल्यू होती है और वन वैल्यू होती है। ये होती है इनकम और इनइक्वालिटी के बीच में, दिस इज इनकम एंड इनइक्वालिटी के बीच में। अगर ये वैल्यू गिनी कोफिशिएंट की अगर जीरो होती है तो वहां पर होती है कि अब यहां पर कोई भी अनइक्वालिटी नहीं है, सबके सब इक्वल है। लेकिन अगर ये वैल्यू वन हो जाती है तो ये सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाती है, मतलब हाईएस्ट इनइक्वालिटी हो जा रही होती है। देखिए यहां पर उल्टा लिखा है, अ वैल्यू ऑफ वन फॉर गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री इंप्लाइज देयर इज परफेक्टली इक्वल, नो परफेक्टली इनइक्वल इनकम हो गई, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, केवल और केवल इसका ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एनएचबी के बारे में फिर से पूछा गया है, किसका है तो आप बता देंगे आरबीआई का है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज नॉट करेक्टली मैच, 2009 का क्वेश्चन है और ये पूछा गया, जैसे हमारे यहाँ पे सेंसेक्स होती है ना, बीएससी की सेंसेक्स होती है, निफ्टी होती है, सेम वैसे ही है, बाहर की कंट्रीज के बारे में पूछा गया है। जापान के निक्की होती है, बिल्कुल करेक्ट है, सिंगापुर की शॉप, नो शॉप होती है किसकी, चाइना की, शंघाई की, शंघाई की होती है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा इसलिए हटा देंगे। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए अपना देखना है, हमें अपना स्टॉक एक्सचेंज देखना है, दूसरे का नहीं देखना है। केवल देखिए कुछ फैक्ट जो होते हैं, जो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया, वो सब आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ ऐसा याद नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ है, बहुत देर से आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, तो क्रेडिट देने के लिए क्या यूज किया जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था कि रिजर्व अपने पास रखना होता है, रिजर्व के लिए दो चीजें होती है, सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर तो आरबीआई के पास चला जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, एसएलआर बैंक के पास रहता है और यही लोन देने के काम में आ रहा होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा एसएलआर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, अगर आपको किसी प्रकार से कोई डाउट होता है, कोई परी होता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9818102748 और यू कैन ईमेल अस एट recognitionias@gmail.com और यू कैन टेलीग्राम ऑन recognitionias।
सर्च करिए रिकॉग्निशन आईएएस, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।